हेलो दोस्तों, आज हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल के दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी लखनऊ है। प्रयागराज न्यायिक राजधानी है। आगरा, अयोध्या, कानपुर, झांसी, बरेली, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, मथुरा, मुरादाबाद तथा आजमगढ़ प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण शहर हैं। त्रेता युग में विष्णु अवतार श्री राम भगवान ने अयोध्या में जन्म लिया। राम भगवान के 14 वर्ष वनवास में प्रयागराज, चित्रकूट आदि का महत्व है। उत्तर प्रदेश ने अब तक भारत को 9 प्रधानमंत्री दिया है। आज़ादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से हैं। रामनाथ कोविंद जैसे राष्ट्रपति दिए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ है और यहाँ की पुलिस व्यवस्था बहुत ही मजबूत है। इतनी बड़ी आबादी संभालने के लिए पुलिस तो मजबूती चाहिए ही ना। दोस्तों, माया नगरी मुंबई में देश भर से हज़ारों लोग अपना किस्मत आजमाने आते हैं, लेकिन कुछ ही चेहरे होते हैं जिन्हें पर्दों पर पहचान मिलती है। ऐसे ही कुछ उत्तर प्रदेश के सितारे जिन्होंने अपने एक्टिंग के बदौलत अपना सिक्का जमाया है। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के महानायक शहंशाह अमिताभ बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। नसीरुद्दीन शाह का जन्म उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में हुआ था। अभिनेता कॉमेडी किंग राजपाल यादव का जन्म शाहजहाँपुर में हुआ था। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का जन्म बरेली में हुआ था। अनुष्का शर्मा का जन्म अयोध्या में हुआ था। बॉलीवुड में आज अलग पहचान बना चुकी दिशा पटानी यूपी के बरेली की रहने वाली है। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म मुजफ्फरपुर जिले में बुढ़ान में हुआ था। दोस्तों, दुनिया के सातवें अजूबा ताजमहल आज कौन नहीं घूमना चाहता। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटक केंद्र में शामिल आगरा अपनी खूबसूरती, ऐतिहासिक स्थानों के वजह से दुनिया में प्रसिद्ध है। बुलंद दरवाज़ा का नाम तो सुना ही होगा, यह एक ऐतिहासिक पर्यटक केंद्र है। उत्तर प्रदेश में घूमने वाली प्रसिद्ध जगहों में शामिल मथुरा भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि के लिए जाना जाता है। मथुरा शहर के निकट यमुना नदी बहती है। वृंदावन धाम जो कि पर्यटकों के बीच बहुत ही अधिक आकर्षित लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश के मशहूर स्थान वाराणसी पर्यटकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। यह दुनिया के सबसे पुराना स्थल स्थानों में से एक है। गंगा नदी के तट पर बसा वाराणसी शहर अपने आकर्षित शिव मंदिर, घुमावदार गलियों और विचित्र वेशभूषा पहने हुए साधुओं के लिए जाना जाता है। अयोध्या उत्तर प्रदेश के एक मशहूर शहर है जो कि पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। अयोध्या नगरी भगवान श्री राम की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में देखने लायक शहर इलाहाबाद में आने वाले पर्यटकों का मेला 12 महीना लगा रहता है। नदियों के संगम स्थल नाम से प्रसिद्ध कुंभ मेला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। चित्रकूट अपनी प्राकृतिक सुंदरता और दर्शनीय स्थलों के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि चित्रकूट वही स्थान है जहां भगवान श्री राम, अनुज, लक्ष्मण और देवी सीता ने वनवास के 11 साल यहीं व्यतीत किया था। दोस्तों, घूमने की जगह लखनऊ पर्यटकों को बहुत रास आती है। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ आने वाले सैलानियों के लिए यह एक खास जगह है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल यहाँ 10 लाख पर्यटक आते हैं। 72 एकड़ में फैला हुआ यह प्रदेश के सबसे पुराना चिड़ियाघर है। 1921 ईस्वी में स्थापित हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। स्कूल देश ही में नहीं बल्कि दुनिया में मशहूर है। सबसे बड़ा स्कूल मेटेश्वरी स्कूल है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इसमें 25,000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की शहर झांसी शहर का इतिहास भी बहुत पुराना है, जो कि खासकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की कुछ अनसुनी बातें कहते हैं, हर 3 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है और हर 7 किलोमीटर पर पानी का स्वाद बदल जाता है। उत्तर प्रदेश में गैंगवार, मारपीट ये आम बात है। गाली तो हर जवान पे मिल जाएगा, लेकिन वो अलग बात है कि कोई बुरा नहीं मानता है। यहाँ की त्यौहार की बात करें तो दीपावली कार्तिक माह के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अंधेरी रात और शंख दीपों से जगमगाने लगती है। कहते हैं भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्यावासी ने दीप जलाकर स्वागत किया। होली
यहाँ के लठमार होली बहुत ही मशहूर है। भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा के जन्म स्थान बरसाना की लठमार होली भारत के सबसे रंगीन पर्व होली मनाने के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।